दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वहां पहुंच चुकी है, जहां उसे 3 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मुकाबले खेलने हैं और इस दौरे की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी, जहां भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ अपना पहला टेस्ट खेलेगी। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम ने इस दौरे के लिए जबरदस्त अभ्यास किया है और वहां से भी जीत का सूखा खत्म करने के लिए 10 दिन पहले ही पहुंच चुकी है, जहां भारतीय टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दिया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपने सभी खिलाड़ियों को मिलाकर 2 टीम बनाई और एक टेस्ट मैच का आयोजन किया। उसमें भारत के 3 बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन से 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचाया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उनके घर में हराकर साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वहां पहुंच चुकी है, जहां उसे 3 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मुकाबले खेलने हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए आने वाला साउथ अफ्रीका दौरा बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि सभी कंट्रीज में साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा देश बचा है जहां भारतीय टीम ने कोई भी सीरीज नहीं जीती है। लेकिन इस बार भारतीय टीम अपनी सीरीज जीत का ये सूखा खत्म करना चाहेगी। इसके लिए भारतीय टीम ने बहुत समय पहले से ही जबरदस्त अभ्यास करना शुरू कर दिया था। कुछ समय मुंबई में जमकर अभ्यास करने के बाद भारतीय टीम 10 दिन पहले ही साउथ अफ्रीका पहुंच गई, जहां उसने पहुंचते ही अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट का माहौल इस समय बेहद ही खराब चल रहा है, जहां विराट कोहली से कप्तानी छीन ली गई। लेकिन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इसका साया अपने खिलाड़ियों पर नहीं पड़ने दिया है और साउथ अफ्रीका पहुंचते ही वो आपस में ही अपने खिलाड़ियों को मिलाकर एक प्रैक्टिस मैच का आयोजन कर रहे हैं, जिससे आने वाले मुकाबलों की तैयारी में कोई कसर नहीं रह जाए। दोस्तों, इस प्रैक्टिस मैच के एक टीम के कप्तान विराट कोहली तो दूसरी टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन थे और भरपूर तैयारी के लिए खेले गए इस प्रैक्टिस मैच में 3 खिलाड़ियों ने बेहद ही धमाकेदार प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट कंट्रोवर्सी से अलग विराट कोहली जब मैदान पर बल्ला लेकर उतरे तो वहीं उनका इरादा बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर अपनी फॉर्म में वापसी करना था और उन्होंने ऐसा किया भी। विराट कोहली ने बल्ले से जोरदार प्रदर्शन करते हुए 80 गेंदों में 150 रन कूट डाले, जिसमें 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। विराट कोहली के इस प्रदर्शन से टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी काफी खुश नजर आए। और वहीं इसके बाद बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में धमाकेदार डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने आते ही रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 6 छक्के की मदद से शानदार 90 रन बनाए और उनके जाने के बाद विकेट पर धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री हुई, जिन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 105 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों, भारतीय टीम की इस त्रिमूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत का सूखा खत्म हो जाएगा और वहीं विराट कोहली का फॉर्म में वापसी करना भारत के लिए इस साल की सबसे अच्छी खबर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे साउथ अफ्रीका में अपनी फॉर्म में वापसी कर पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।